हेलो दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम मटर जीरा पुलाव बनाना आपको हम बताएंगे। तो उसके लिए हमने चावल को 1.5 कटोरी इसे हमने नाप के इसे फुला दिया है 5 मिनट, और इसे अच्छी तरह से पानी को निचोड़ दिया है। प्याज 1 ठो ले लिए हैं छोटा वाला, जीरा 2 छोटा, इलायची, दालचीनी और लौंग, और 2-4 दाना गोल मिर्च, और मटर को हमने ले लिए हैं स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं। गैस जला लेते हैं, कुकर गरम होने के लिए रख देते हैं। इसमें घी रख देते हैं। प्याज डाल देते हैं इसमें, और जीरा, इलायची को हमने मुँह उसको खोल लिया है, और दालचीनी को हमने छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया है। इसे हम भून लेते हैं, और इसमें मटर डाल के हम इसे भूनते हैं, और नमक। इसमें हम चावल डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डाल देते हैं। जिस कटोरी से हमने चावल नापा है उसी कटोरी से हम इसे 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। अब इसे हम सीटी लगा देते हैं। 1 सीटी में ये मटर जीरा पुलाव बनकर तैयार हुआ। एक सीटी दे दिया, गैस बंद कर दें। 5 मिनट के बाद हम कुकर खोलेंगे। और मेरा मटर जीरा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। इसे हम आप लोग के साथ सर्व कर देते हैं। ये जीरा पुलाव बनकर तैयार हुआ, देखिए इतना अच्छा बना हुआ है। जीरा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, ये बहुत अच्छा बनता है। जिस कटोरा से आप चावल लीजिएगा उसी कटोरा से आप पानी रखिएगा। 1 कटोरी चावल में 1.5 कटोरी पानी, इससे आपका पुलाव बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। और आपके ऊपर है अगर ज़्यादा घी डालिए या कम, लेकिन कम घी में डालने से सेहत के लिए अच्छा रहेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इसे आप लोग भी बनाइए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।